लव जिहाद चलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत का विषय। उसका जब कानून बना है ये देश को तोड़ने का सड़े, ये देश को बांटने का सड़े, ये किसी भी कीमत का राम। देखिए, इस तरीके के कानून को बनाने की किसी भी तरह कोई जरूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद लफ्ज मजहब इस्लाम का एक मुकद्दस लफ्ज है, इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरन मजहब तब्दील कराने के नाम पर पहले से कानून मौजूद है, इसलिए महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाला। आदाब, में अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। बीजेपी लाख कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, राष्ट्रवादी पार्टी पर, यानी जितने भी जो सेकुलर पार्टियां देश में मौजूद हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगाए कि ये धर्म को भुनाती हैं और तुष्टिकरण करती हैं। लेकिन चमकते सूरज की तरह सच्चाई ये है कि जितना धर्म का इस्तेमाल या फ़िरका परस्ती का इस्तेमाल बीजेपी करती है शायद ही कोई पार्टी करती हो। और ये कहना भी बिल्कुल सही होगा कि अगर राम मंदिर, गाय, मुसलमान और पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो बीजेपी की सियासत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। बंगाल का चुनाव अब सामने है, बिहार का इलेक्शन, बिहार में क्या नौटंकी हुई, क्या ड्रामा हुआ वो आप देख चुके हैं। बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा था, कैसे सरकार, किस तरह वहाँ पर इंतखाब हुआ, इलेक्शन हुआ, कौन सी पार्टी सबसे बड़ी रही, किस तरह से जोड़ तोड़ हुआ, वो सब आपके सामने है। अब बंगाल चुनाव है, पता नहीं क्या होता है कि जैसे चुनाव आता है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ठंडे बस्तर से निकल कर फिर गर्म हो जाते हैं, जैसे कि आजकल लव जिहाद का मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है। लाख लोकसभा में जो मरकजी सरकार है, केंद्रीय जो सरकार है, उसने लाख लोकसभा में कह दिया हो कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि लव जिहाद की कोई परिभाषा है ही नहीं। NIA ने कह दिया हो कि लव जिहाद का कोई सबूत नहीं पाया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार UP के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कानून पास वहाँ पर कर ही दिया है लव जिहाद को लेकर। उनके हिसाब से अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना होगा। सामूहिक यानी एक साथ अगर कई लोग इज्तमाही तौर पर अगर मजहब तब्दील करते हैं, पाए गए या इस तरह कोई सामने मामला आया, तो 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। उन्होंने साफ साफ जो कानून बनाया है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो वहाँ का जो DM होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, 2 महीना पहले वहाँ पर नोटिस, वहाँ अपील एप्लीकेशन देनी होगी, वहाँ नोटिस लगेगी। इसके अलावा लव जिहाद का जो भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी, जो पीड़ित परिवार होगा वो सिर्फ परिवार के लोग ही लव जिहाद की शिकायत करा सकते हैं। इस तरह कैसे 4-5 उन्होंने जो प्रावधान उसमें रखा है, ये कानून अब पास हो चुका है और योगी की कैबिनेट ने उस पर मुहर भी लगा दी है। कानपुर का जो कांड सामने आया था, कानपुर में जो 14 केसेस थे उस पर तमाम नेशनल मीडिया ने अच्छी तरह से साफ साफ दिखा दिया है इसको कि उसमें सिर्फ 3 केसेस ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हमने अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन किया, यानी लव जिहाद कोई मामला वहाँ पर नहीं था। इस मसले को देखने के लिए SIT गठित की गई थी, SIT बनाई गई थी, उसने अपनी जाँच रिपोर्ट में कह दिया है। बाकी जो 11 मामले हैं उनमें देखा गया तो लड़कियां नाबालिग हैं, तो वो एक दूसरे ऑफेंस पे लगे और उन पर कानून धारा लगाई गई है, लव जिहाद तक कोई मामला है ही नहीं। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ किसी ना किसी तरह इस मसले को जिंदा रखना चाहते हैं, इस मसले को भुलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी UP में कोई विकास उकास काम तो किया नहीं है। उनका मुद्दा वही रहा है, गौशाला, राम मंदिर, लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह वगैरह, और मॉब लिंचिंग वहाँ कितनी रही वो भी आप देख चुके हैं। विकास नामी कोई चीज़ है ही नहीं, इनके पास मुद्दे ही सिर्फ यही होते हैं कि धर्म के नाम पर बस जिंदा रखो, अपने आप को लड़ाते रहो और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करते रहो। अब बंगाल का इलेक्शन सामने है, इसे देखते हुए BJP एक कदम और आगे बढ़ी। अब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वजीर आला हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी चिल्ला कर कह दिया है कि वो मध्य प्रदेश में लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ लव जिहाद को चलने नहीं देंगे, ये षड्यंत्र है देश को बांटने का, समाज को बांटने का, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, वो स्टेज से चिल्ला कर कह रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में भी इस पर कानून बनाया जाएगा। बंगाल की सांसद TMC की नुसरत जहां ने भी साफ साफ 2 दिन पहले और कल भी उनका ट्वीट आया था और उनका वीडियो शेयर हुआ, उन्होंने कहा लव अलग चीज़ है, जिहाद अलग चीज़ है, इसको धर्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासत के लिए। और BJP वही कर रही है, वो लाख अपने आप को बहुत पाक साफ बताती है
कि हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करते, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर धर्म का इस्तेमाल किसी पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो नुसरत जहाँ ने भी काफ़ी लताड़ा है, उलमाओं के अंदर एक रोष पाया जा रहा है, गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिहाद एक अलग चीज़ है, जिहाद की परिभाषा बहुत अलग मानों में इस्लाम में मौजूद है, उसको गलत तरीके से पेश करके इस्लाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मिला जुला रद्द अमल हर तरफ से है और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर लव जिहाद का जो भूत है वो फिर सामने आ चुका है, चिराग रगड़ा जा चुका है, जिन बाहर आ चुका है, क्योंकि बंगाल इंतखाब, बंगाल का चुनाव सामने है। अब ये फैसला जनता को करना है कि भाई इश्क एक अलग चीज़ है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और एक लंबी परिभाषा उसकी हो जाएगी। मोहब्बत एक अलग चीज़ है, जिहाद एक अलग चीज़ है। जिहाद की परिभाषा बहुत ही अलग है, अच्छे काम के लिए जद्दोजहद करना, जद्दोजहद से बना है जिहाद, कोशिश करना, अच्छे काम के लिए कोशिश करना, बुराई रोकने के लिए कोशिश करना, अधर्म के खात्मे के लिए जो धर्म की तरफ से जो कदम उठाया जाए वो जिहाद है। और मोहब्बत साहब वो तो ना धर्म देखती है, ना जात पात देखती है, ना उष्णुज देखती है, ना अमीर गरीब देखती है। ये तो बहुत सदियों पुरानी एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के अंदर खुदा ने डाला हुआ है। बहरहाल इन दोनों को मिलाकर बीजेपी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि नए नए शोशे लाने में उनका कोई सानी नहीं है, लव जिहाद। बहरहाल लव जिहाद का भूत अब सामने है, ये कब तक जिंदा रहेगा, बंगाल इलेक्शन के बाद भी चलता रहेगा, ये देखने की बात है। बहरहाल हम अपने चैनल एलान टाइम्स की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं कि ये क्या चल रहा है देश में। एक तरफ देश में किसानों की महामारी चल रही है, अब देख रहे हैं किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपना हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, बुलडोजर लगा दिया गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगा दी गई हैं ताकि किसान जो अन्नदाता है दुनिया में, ज़मीन में जो अनाज पहुँचाता है, हमारे पेट का जो अनाज पहुँचता है, उसका सबसे बड़ा योगदान किसान के जरिए होता है, आज उसे ही रोका जा रहा है, उसका हक मारा जा रहा है। इस तरफ कोई पहल नहीं की जा रही है, रोजगार नहीं है, इस तरफ कोई पहल नहीं की जा रही, कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, बलात्कार पर बलात्कार हो रहा है, कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन कानून कहाँ बनेगा, लव जिहाद पर कानून बनेगा, जो है ही नहीं, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं मिल रही है उस पर कानून बनाया जाएगा, ताकि हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत फैलती रहे और इनकी सियासत चलती रहे। देखते रहे इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल एलान टाइम्स, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आप तक सच पहुंचा